ये देखिए जी, शहान कटिंग के लिए रेडी हो गया है। कटिंग होगी इसकी। शहान कैसा फील हो रहा है? सर्दी? सर्दी से बचाव के लिए? अच्छा, नहीं नहीं करनी। देखिए जी, इसकी डिमांड सुन लें कि कटिंग जो है वो करवानी है, लेकिन नहीं नहीं करनी। तो देखिए जी, इसको शॉपर से बिल्कुल कवर कर दिया है। खैर मेरे बाल, तो बाल देखिए जरा इसके, ये देखिए जी बाल जरा देखिए इसके। अब इसकी कटिंग होगी और फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा है। हेलो। चलो, मोटा हाँ, मोटा मोटा हो गया दीदी। चलो, यहाँ पर देखिए जी, शाहान के बालों की कटिंग जो है वो हो गई है। और देखिए कितने ज्यादा बाल इसके उतरे हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं पकोड़े खाने लगी हूँ। मज़ेदार सा वेदर है, तो आज हमने पकोड़े बनाए। मैं ये खाऊंगी। ओ, यहाँ पे देखे जी, शाहान की कटिंग जो है वो हो गई है माशाल्लाह से। प्यारे लग रहे हो। हाँ, हो गई कटिंग? रोए भी थे? नहाई करते वक्त क्या हो रहा था? हाँ? ऐसे ही इतना शोर डाला था। चलो ठीक है, बाय कह दो। और यहाँ पर जी, मैं बैठी हुई थी एडिटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि साथ साथ मैं ओरिनियस खाती हूँ, जो छोटे छोटे से खट्टे मीठे से होते हैं वो, तो ये खा रही थी मैं। और किस किस का दिल कर रहा है इस तरह से मुझे खाते हुए सुन के और ऑरेंजेस देख के। तो सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनका तो मज़ा अपना ही है। तो ये मैं और खा रही जी, हूँ, साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये देखें, मैंने ये मंगवाया था दराज से, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का है, टेस्टी बहुत ज़्यादा है ये। और ऑरेंजेस के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो हमें मिल नहीं रहा था। और बहुत सी शॉप्स से भी हमने लिया, तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, तो हमने ऐसे ही बस इसको ऑर्डर किया और ये इतना मज़े का हमें मिल गया। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो ये मंगवा सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी है और साथ में टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो इस तरह की दो बॉटल्स हमने मंगवाई थी और दोनों का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो बस मैं अभी ये खा रही थी और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके लिए ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ। तो व्लॉग तो हाफ जो है आपने देख ही लिया है। इससे पहले जो आपने सारे क्लिप्स देखे वो परसों के थे और ये है जी कल के। और कल हमने दोपहर के टाइम साग खाया था। और साग तो ऐसा लगता है कि आजकल सर्दियों में हर फ्रिज की जीनत बना हुआ है। कुछ भी ना मौजूद हो फ्रिज में, लेकिन साग जो है वो वहाँ पर पूरी शान के साथ पड़ा ही होता है। तो हम ना साग जो है वो बना कर रख लेते हैं। तड़का हम उसी टाइम लगाते हैं जब हमने इसको खाना ना होता है, क्योंकि ये एकदम से तो सारा खाया नहीं जाता। जब भी बनता है ज्यादा क्वांटिटी में ही बनता है, फिर इसके पोर्शन बनाकर रख लिए जाते हैं। और जैसे जैसे जिस जिस दिन खाना होता है तो तभी हम इसको बिल्कुल फ्रेश तड़का लगाते हैं और खाते हैं जी। और आज तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको पराठे के साथ खाऊं, और आपको भी डेफिनेटली भूख लगेगी। तो यहाँ पर जी, अब खाना वगैरह हो गया है, दोपहर का खाना खा लिया है, अब हम बनाएंगे जी चाय। से बनाते हैं चाय, और हमारे घर में कड़क सी चाय बनती है, तो बस उसी नाश्ते से मैं बनाऊंगी। तो
पकने के लिए मैं रखूँगी। अब इसमें तो यहाँ पर जी चाय जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल पे है, जो इसको मैं 2-3 बॉईल जो है वो आने दूंगी ताकि ये खूब अच्छे से पक जाए। कच्ची कच्ची चाय हमें पसंद नहीं है कि बस जैसे दूध डाला और थोड़ी देर के बनाए हैं, एक बॉईल आने दिया और फिर कप्स में डाल ली, तो 2-3 बॉईल आने के बाद ही हम चाय जो है वो कप्स में डालते हैं, अच्छी बन जाती है इस तरह। यहाँ पर जी गर्मा गर्म सी चाय रेडी है, अब मैं इसको कप्स में डालती हूँ और जी मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय जो है वो पीते हैं। अच्छा, हमने पिनियाँ बनाई थी अलसी की पिनियाँ, तो वो भी अभी हम चाय के साथ खाएँगे, और सुबह दोपहर शाम जब भी दिल करता है तो पिनियाँ जो है वो खाई जा रही हैं। तो अभी जी ये पिनियाँ जो है इस चाय के साथ भी खाई जाएंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको पिनियाँ भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की। और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो अब ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले जी, यहाँ पे चाय जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ पिनियाँ अलसी की, जो हमने पिनियाँ बनाई हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही हैं। तो चाय के साथ अभी हम यही खाते हैं। तो यहाँ पर जी चाय जो है वो बिल्कुल कड़ाकेदार मज़ेदार सी रेडी हो गई है और साथ में खाएंगे जी पिनियाँ। और पिनियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, अगर अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में लगा दूंगी या एंड स्क्रीन पर वो शो हो जाएगा, अब ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मज़े से बैठ कर चाय पीते हैं और साथ ही साथ खाते हैं पिनी, और शाम के टाइम हमने ये चाय बनाई थी और साथ ही साथ खाने वगैरह की भी तैयारी हो रही थी। आज हमने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे और साथ ही साथ जरदा भी बनाया था। और आप ज़रूर बताइएगा कि जब इस तरह से मिक्स वेजिटेबल राइस बनते हैं या पुलाव बनता है तो कौन कौन इसके साथ जरदा जो है वो लाजमी बनाता है, क्योंकि इन दोनों चावलों के साथ ना जरदा जो है बहुत मज़े का लगता है। तो हमने आज जरदा भी बनाया था और साथ में जी मिक्स वेजिटेबल राइस बने थे और साग हमने दोपहर में तड़क लिया था, बना तो ये पहले का ही हुआ है, जस्ट हमने इसको फ्रेश तड़का लगाया था और अब जी चावलों पर डाल कर खाएंगे और चावलों के साथ साग जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। प्लेन राइस हो या इस तरह से मिक्स टेबल राइस हो, दोनों के साथ ये साग जो है बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी आज हमारा ये डिनर हो जाएगा और साथ ही साथ जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त इस अपने पन के साथ कि आप रखिएगा अपने ढेर सारा ख्याल, दुआओं भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।